तो भाई फाइनली वक्त की घड़ियां गुजरने के बाद आपको पता है कि आपका भाई बड़ा जुनूनी है, जो कह देता है तो बस उस बात को फिर पूरा करने के लिए चांद तक पहुंच जाता है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि 75 रुपये का नोट आने वाला है, और वो नोट आएगा आपके भाई के पास सबसे पहले, और ये नोट मेरे पास आ गया था। मेरे पास ये एक नहीं दो दो नोट आए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये दो दो नोट आ गए मेरे पास है 75 रुपये के। लेकिन मैंने वीडियो बहुत लेट बनाई है, तो खैर ऐसे आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो इसके थोड़े वो बनते हैं ना, क्या कहते हैं इसको यार, एडिटर साहब उसको क्या कहते हैं, सोनी मोटेट, क्या सोनी मोटेट शॉर्ट, पता नहीं क्या। हाँ वही देख लो यार। आप लोगों ने इसके सोनी मोटर छोड़ देख लिए होंगे, तो अभी मैं आप लोगों को इसकी सच्चाई बताता हूँ कि ये लॉन्च क्यों हुआ है। लॉन्च पता है ये क्यों हुआ है? अभी आपको पता है कि कुछ अर्से पहले एक लेज ने एक अपनी एक लेज निकाली थी जो 75 रुपीज़ की थी, और वो आजकल वो मेरे ख्याल क्रिकेट के दौरान उसके एड भी आते थे, वो 75 रुपीज़ की होती थी। तो आजकल आप जाए मार्केट में पूछवाने के लिए वो आपको 85 से कम नहीं मिलेगी। अभी भाई इस नोट के पीछे उन्होंने अपने 15 रुपये गिरा दिए लेज वालों ने, वो उन्होंने 75 रुपये की कर दिए लेज। नहीं है ना, तो अबे जाके देख लो, सोशल मीडिया इतनी भरी हुई है, जाके देख लो, 85 वाली लेज अभी 75 रुपये में मिलेगी सिर्फ इस नोट के खातिर। देखो इतने खर्चे, अभी देखो पेट्रोल भी हम लोग इससे डलवा सकते हैं 75 रुपये से। अभी आप कभी कभी जाते हैं, 80 रुपये आपके जेब में नहीं होते, 75 रुपये होते, तो 75 रुपये से भी गुजारा चला सकते हैं भाई, चलता पाकिस्तान है। और बहुत प्यारा नोट है, वैसे मैंने जिसको ये नोट दिखाया हर कोई कहता है यार ये जो नोट है ना थोड़े थोड़े नकली लगते हैं। यार ये नकली नहीं, वैसे आप इसको आगे से अगर देखें ये फुल असली है, वो मतलब है तो नोट असली है, लेकिन वैसे मैं आपको कह रहा हूँ आगे से आप अगर इसको देखें फुल, देखो ना अच्छा लगता है। पीछे से यार इसको थोड़ा बोरिंग बनाए, पीछे से देखो ना बिल्कुल मज़े ही का नहीं है। तो पीछे से अगर कोई तस्वीर लगा देते, कोई कुछ लगा देते, देखो मारखोर है वो, ये भी मारखोर भी क्लियर नज़र नहीं आता। तो पीछे से इन लोगों ने इतने डिटेल से नहीं बनाया, अगर पीछे से थोड़ा सा डिटेल से बनाते ना भाई साहब, नोट बहुत प्यारा बंदर, वैसे भी अभी भी प्यारा है, लेकिन मुझे जो है ना नोट पकड़ते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी नोट देखे उसमें सिर्फ हम लोग का बाबा कायदे आजम होता है, अभी इसमें चार चार तस्वीरें, तो थोड़ा परेशान हो रहे हैं भाई, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे यार कौन सा नोट इसमें चार चार तस्वीरें। वैसे हम लोग आज तक जितना भी 5,000 तक नोट है जिसमें हर एक कायदे आजम की तस्वीर है। तो खैर अभी जो इसमें जो लेजेंड इसके अंदर है वो है कायदे आजम, इमाला इकबाल साहब, फातिमा जाना, सर सैयद अहमद खान। तो ये चार खुश नसीब हैं जो इस तस्वीर इस नोट के अंदर हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और यार बाकी नोट बड़ा प्यारा है, और आपको पता है कि बाकी जो नोट होते हैं उनके जो साइड में होते हैं ना इससे कुछ लाइन टाइप होता है, मतलब इस टाइप जो है ना लाइन टाइप होता है, लेकिन इधर ऐसे वैसा कुछ नहीं दिया है। मैंने अपने दोस्त को दिखाया, मैंने बोला ये देखो 75 रुपये का नोट, उसने बोला इधर साइड की लाइनें कहाँ हैं। मैंने बोला भाई इस बार लाइनें ख़त्म कर दी, उसने बोला नहीं है फिर नकली नोट। मैंने बोला नकली नोट तो नहीं है, बस ये लाइनें ख़त्म कर दी हैं, वैसे लाइनें वो ख़त्म की है, वैसे इधर से जो है ना छोटी छोटी लाइनें दी हुई है डिटेल के साथ। तो बाकी नोट बड़ा प्यारा है, आप देख सकते हैं, मैंने इसका बड़ा इंतज़ार किया था इस नोट के बारे में, और मैंने जो है इसको बाहर यूज़ करने में भी कोशिश की है। मैं गया एक दुकान पे, मैंने बोला 75 रुपये की पहले चीज़ ले ली सारी, फिर 75 रुपये का उसका नोट दिया, लेकिन उसने वो नोट नहीं लिया। उसने बोला ये कौन सा नोट है भाई, मैं नहीं ले रहा। उसने बोला पता नहीं कौन सा जापानी फल, पता नहीं कौन सा जापानी नोट लेके आए। मैंने बोला नहीं ये पाकिस्तान का है, देखो इसमें बाबा जी है, कायदे आजम है, ये पाकिस्तान का। उसने बोला नहीं नहीं ये जो है ना पाकिस्तान का नोट नहीं है, नहीं नहीं नहीं। तो खैर अभी भी इसको प्रूव होने में मुझे लगता है कि महीना डेट लगता है, और अल्लाह करे ये नोट कामयाब हो जाए, वरना जिस तरह की इसकी रेटिंग है मुझे तो नहीं लगता है कामयाब होएगा। वैसे नोट बड़ा प्यारा है, ये नोट वैसे मेरे पास दो पड़े हुए हैं,
ये बड़ी मुश्किल से ढूंढे। अभी आप लोग सोचेंगे कि यार हम लोगों को ये नोट नहीं मिल रहे, आप लोग कहाँ से ढूंढे यार। बस ये नोट दिखने में बड़ा प्यारा है, आप देख सकते हैं आगे से बस मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी पीछे से तो इन्होंने बिल्कुल ख़त्म किया हुआ। पीछे से भी इतना अच्छा है, लेकिन इन लोगों ने अगर थोड़ा सा डिटेल पे बनाते ना स्टेट बैंक और पाकिस्तान वाले, तो मेरे ख्याल से नोट जैसे अभी इसमें मारखोर की तस्वीर है, तो मारखोर को अगर थोड़ा सा डिटेल से बनाते, थोड़ा सा और डिटेल करते, तो मुझे लगता था कि ये नोट बहुत अच्छा दिखता था पीछे से। और अब बाकी जितने भी नोट देखे वो पीछे से बहुत प्यारे होते हैं, बेशक आगे से तो एक ही नोट होते हैं लेकिन पीछे से वो लोग बहुत प्यारे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग आगे से प्यारा नोट बनाए और पीछे से जो है ना बिल्कुल, बाकी नोट बहुत प्यारे हैं, दिखने में प्यारा है, इसके कलर भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह से। और तो मैं एंड में आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी और नए ऐसे टॉपिक के साथ, टॉपिक तो कुछ मिलता ही नहीं, बस कुछ ना कुछ पकड़ के ले जाता हूँ। तो आप लोग बताया करें यार मैं किस चीज़ में वीडियो बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आती यार मुझे, कुछ कुछ तो बोले ना यार किस चीज़ में वीडियो बनाऊँ यार, कुछ बोलो यार, मैं कुछ कॉन्टेंट ही नहीं मिल रहा यार। नीचे कॉमेंट में कितना कॉमेंट खोला है उसमें बताया करो किस चीज़ में वीडियो बनाऊँ मैं यार, कितने बोलो यार, मुझे समझ नहीं आती। मैं अभी पढ़ाई चल रही है, पेपर भी नज़दीक आ गए, समझ नहीं आ रही क्या करूँ यार। एक तो तुम लोग कहते हो कि एक ना एक दो दिन छोड़ के वीडियो दो, अबे यार पेपर है, तैयारी कितनी पड़ती है पेपरों की, और तुम लोग दूसरा कहते हो कि भाई एक एक दो दिन यार, नहीं होता एक दो दिन, कोशिश करेंगे वीक में एक दो वीडियो दे देंगे, लेकिन एक दो दिन छोड़ के वीडियो वाला ये सीन जो है ना थोड़ा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर दें, लाइक वाइक कर दें, कमेंट वमेंट कर दें, शेयर वेयर कर दें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दें, ये वो जो कुछ करना है, बस मुझे मुझे वायरल कर दो। मैं चाहता हूँ रातों रात वायरल हो जाए, जितनी मेरी मेहनत है कसम से तुम लोग सोच ही नहीं सकते मेरी यूट्यूब पे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। तो खैर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, मैं मिलता हूँ आप लोगों की, ओके बाय।